मेरे प्यारे छात्रों, फर्स्ट स्लाइड में हमने जो है सम इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में चर्चा किया था, और मैंने कहा था कि सेकेंड स्लाइड में हम लोग जो है सम एमिनेंट साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चले भाई, हम लोग एमिनेंट साइंटिस्ट जो बायोलॉजी के कुछ फेमस साइंटिस्ट हैं और उनका क्या अचीवमेंट है, उनका क्या योगदान है बायोलॉजी के क्षेत्र में, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं भाई। ये हमारा सेकेंड लेक्चर जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं फेमस साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी। देखो भाई, सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपके जो साइंटिस्ट हैं, ये हैं एरिस्टोटल साहब, जिन्हें अरस्तु भी कहा जाता है भाई। अरस्तु साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी तथा फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में साइंटिफिक स्टडी किया, और अपने बुक का नाम यहां पर देखिए मेंशन है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस बुक में इन्होंने जो लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में साइंटिफिक स्टडी करके उसके कैरेक्टर को मेंशन किया, और इन्हीं प्रयास के लिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है भाई। अब ये फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, अरस्तु साहब ने ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताया, मां के गर्भ में फर्स्ट डे से लेकर के एट द टाइम ऑफ इश्यू बच्चे का किस तरह से डेवलपमेंट होता है ना, उसके प्रत्येक क्रम को जो है और प्रत्येक स्टेप्स को जो है इन्होंने हमें बताने का प्रयास किया, और इन्हीं प्रयास के लिए इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। तो ध्यान देना है भाई कि एरिस्टोटल साहब को फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है हमारा थियोफ्रेस्टस साहब। ये थियोफ्रेस्टस साहब हैं। थियोफ्रेस्टस साहब ने जो काम कि हमारे एरिस्टोटल साहब ने किया एनिमल के लिए, वही काम हमारे थियोफ्रेस्टस साहब ने प्लांट के लिए किया भाई। इन्होंने लगभग 500 प्रकार के प्लांट्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी किया और उसे समराइज किया अपने द्वारा लिखे गए बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में, और इन्हीं प्रयास के लिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है हमारे रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले कॉर्क में इन्होंने जो है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो है सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल के बारे में अपने द्वारा लिखे गए बुक द सेल में इसे मेंशन किया था, और ये जो माइक्रोग्राफिया नामक मोनोग्राफ में इन्होंने सबसे पहले जो है सेल के बारे में बताया। इन्हें जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सेल का पता लगाया था भाई, डिस्कवर्ड सेल, सेल का पता लगाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। जबकि इनके द्वारा जो देखा गया सेल था वो बिल्कुल डेड सेल था, क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ बाउंड्री वाल को देखा था, सेल वाल को देखा था, सेल के अंदर पाए जाने वाले किसी भी जो है सेल ऑर्गेनल्स के बारे को इन्होंने नहीं देखा था भाई। इसलिए याद रखना है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे रॉबर्ट हुक साहब को। दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं स्लाइडन एंड श्वान। स्लाइडन एंड श्वान ने जो है दोनों ने मिलकर के है ना सेल थ्योरी दिया था भाई। ये सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी ये कहता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट। सेल जो है शरीर की संरचनात्मक, शरीर का संरचना बनाने वाला, क्रियात्मक उसे कार अंग, शरीर के अंगों को कार्य के रूप में परिणत करने वाला, और वंशानुगत मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को कैरी करने वाला, ये जो है वो सेल है।
लेकिन भाई ये जो सेल थ्योरी दिया गया था ये सेल थ्योरी अधूरी थी, क्योंकि इस सेल थ्योरी के द्वारा ये नहीं बताया गया कि नए सेल की उत्पत्ति कैसे होती है और नए सेल की उत्पत्ति के बारे में, यानी इस सेल को जो थोड़ा मॉडिफाइड किया गया था, इस सेल को वो मॉडिफाइड किया था हमारे जो है रुडोल्फ हिर्शाव साहब ने। रुडोल्फ हिर्शाव साहब ने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया और उन्होंने कहा भाई कि ओमनी सेलुला का मतलब ये होता है कि न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल की जो उत्पत्ति होती है वो पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से होती है। तो भाई ये रुडोल्फ हिर्शाव साहब ने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ये सेलुला ये स्टेटमेंट किन का है, तो ध्यान रखेंगे ये हमारे रुडोल्फ हिर्शाव साहब का है, जिन्होंने कि सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और उन्होंने कहा कि सेल फंडामेंटल यूनिट तो है ही, लेकिन नए सेल की जो उत्पत्ति होती है वो पुराने सेल के डिवीजन से होती है। नेक्स्ट जो है हमारा जो साइंटिस्ट हैं वो है हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक साहब ने जो सजीव कोशिका का पता लगाया भाई अपने दांत के मैल को खरोच कर, अपने द्वारा बनाए गए सिंपल माइक्रोस्कोप में इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। आप देख रहे हैं यहां बैक्टीरिया को। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सजीव कोशिका का पता किसने लगाया था, तो हम रॉबर्ट हुक का नाम नहीं बोलेंगे, लीवेनहॉक साहब का नाम बोलेंगे भाई। और इन्हें जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन साहब, यहां पर देखो भाई ये हमने जो सेल का डायग्राम यहां पर रखा है और सेल के अंदर जो है ये जो पिंक वाला भाग जो दिखाई पड़ रहा है ये है न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं केंद्रक। और इस न्यूक्लियस का पता जो है ये लगाया था हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। अलग अलग इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे यहां पर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पता लगाया था पोर्टर ने। यहीं पर जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है कॉलिकर साहब, कॉलिकर। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर नजर आ रहा है भाई। तो अलग अलग जैसे सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग वैज्ञानिकों ने पता लगाया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है भाई कि न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने केंद्रक का पता लगाया था। नेक्स्ट जो है हमारे हैं हक्सले साहब, ध्यान दो भाई। हक्सले साहब का स्टेटमेंट है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का जो भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म है। ये प्रोटोप्लाज्म है क्या भाई, तो देखो भाई ये जो सेल है, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है इस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाहर जो लिक्विड पाया जाता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अगर दोनों मिल जाए तो ये कहलाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म मीन्स हो गया टोटल लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो टोटल लिक्विड लाइक है उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म जो है हमें जो है प्रोटोप्लाज्म जो है के बारे में ये कहा गया भाई कि अगर ये प्रोटोप्लाज्म एक्टिव होगा तभी सेल एक्टिव होगा, अगर ये प्रोटोप्लाज्म एक्टिव नहीं होगा तो सेल एक्टिव नहीं होगा, और एक्टिव सेल द्वारा बना हुआ बॉडी ही एक्टिव होगा। अब यहां पर सवाल ये आता है कि प्रोटोप्लाज्म एक्टिव होगा कैसे समझेंगे, तो यदि प्रोटोप्लाज्म में केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता अगर है
तो समझेंगे वो प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है और उस एक्टिव प्रोटोप्लाज्म के द्वारा बना हुआ सेल एक्टिव होगा, सेल से बना हुआ टिश्यू एक्टिव होगा, टिश्यू से बना हुआ ऑर्गेन एक्टिव होगा, उस और ऑर्गेन से बना हुआ बॉडी एक्टिव होगा। यानी बॉडी एक्टिव तभी होगा जबकि प्रोटोप्लाज्म एक्टिव होगा, और प्रोटोप्लाज्म में केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता होगी। ये कथन जो है हमारे हक्सले साहब का है, उन्होंने यही कहा भाई कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इफ प्रोटोप्लाज्म इज एक्टिव लाइफ अकर्स और नॉट। अगर प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है तो जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह है कैरलस रिनियस साहब। कैरलस रिनियस साहब ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था भाई। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये कहता है कि किसी भी जीवों का जो हम नामकरण करते हैं उसमें दो टर्म का प्रयोग करते हैं, एक उसका जीनस होता है और एक उसका स्पेसीज होता है, एक उसका जाति होता है भाई और एक उसका वंश होता है। कैरलस ने साहब को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, और आपको मालूम है कि टैक्सोनॉमी में हम किसी भी जीवों की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, किसी भी जीवों का नामकरण, परिचय और उसका वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो कैरलस रिनियस साहब ने इसी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर अपना भी नामकरण किया है, कैरलस एंड लिनियस। जैसे आप जानते हो कि मनुष्य का, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का बॉटनिक जो है जूलॉजिकल नेम क्या होगा, तो आप बताओगे होमो सैपियन सैपियन। देखो दो टर्म का यूज हुआ है कि नहीं, होमो सैपियन सैपियन। और इसमें जो पहला टर्म होता है उसका लेटर कैपिटल होता है, और जो लास्ट सेकेंड टर्म होता है उसका जो स्मॉल लेटर से वो प्रारंभ होता है भाई। इस बात का भी हमें ध्यान देना है। तो कैरलस ने साहब को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहते हैं इन्हें, और इन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। चले नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है भाई। जेनेटिक्स में हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं भाई? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जीवों में जो है कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर करता है, अपने मां बाप का गुण जीवों में बच्चे में कैसे जाता है और हम मां बाप से किस तरह से भिन्न होते हैं, इस हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं, और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था भाई, इन्होंने जो है जेनेटिक्स से संबंधित नियम दिया था। अलग अलग नियम है ना, हम लोग जब टॉपिक में आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, लॉ ऑफ जैसे सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स हैं, ये सारे नियम इन्होंने दिए हैं। मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए है ना गार्डन पी को जो लिया था, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर किया था भाई? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो गार्डन पी पर किया था, गार्डन पी मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम जो होता है ये होता है भाई पायसम, पायसम सेटाइभम, सेटाइभम, पायसम सेटाइभम, ये जो है बॉटनिकल नेम है ना, पायसम सेटाइभम। तो इस तरह से मेंडल साहब ने मटर के पौधे को ही अपने प्रयोग के लिए क्यों लिया? अगर ये पूछा जाए तो मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, इसके फूल जो होते हैं उसमें डिफरेंट प्रकार के इस पर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, फूल जो है बायसेक्सुअल होता है, और सबसे जो अहम बात था इन्होंने अपने प्रयोग में 7 pair ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, 7 जोड़ी विपरीत गुण वाले लक्षणों को लिया था। और दूसरी बात यह है कि मटर के पौधे की कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या भी 7 pair होते हैं, तो इच क्रोमोजोम कैरी इच कैरेक्टर लिंकेज की कोई संभावना नहीं थी, इसीलिए मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही लिया था। चले भाई नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है हमारे मॉर्गन साहब। मॉर्गन साहब को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स तो हम लोग जो है मेंडल साहब का नाम बताएंगे, लेकिन अगर मॉडर्न जेनेटिक्स की बात अगर करें तो वहां पर जो है मॉर्गन साहब की बात करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस जो रह गए थे है ना, कुछ अपवाद जो रह गया था भाई, जो कि मेंडल्स लॉ का पालन नहीं करता था, उनके बारे में भी मॉर्गन साहब ने डिस्क्रिप्टिव वर्णन किया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे
लिनार्डो दा विंसी, लिनार्डो दा विंसी को कौन नहीं जानता भाई, लिनार्डो दा विंसी जो है एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, है ना। इन्होंने जो है मोनालिसा का चित्रण किया था जो कि बहुत ही फेमस चित्रकारी है, इसके बारे में आप जानते होंगे। साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी कहा जाता है। पैलियंटोलॉजी में हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं भाई, हमने पहले जो है वीडियो में मैंने आपको बताया था, हम लोग जो है पैलियंटोलॉजी में फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और ये जो फॉसिल्स है यहां पर मैं दिखाया है इस चिड़िया को, ये है क्या भाई, ये है आर्कियोप्टेरिक्स, ये है आर्कियोप्टेरिक्स, एक ऐसी पक्षी जो कि अब है नहीं, ये मेसोजोइक ईरा में है ये पक्षी थी भाई, और ऐसी पक्षी जिसकी चोंच में दांत पाया जाता था भाई, इसके चोंच में दांत पाया जाता था, और ये कैरेक्टर इसका रेप्टाइल्स का था। और बौद्ध को बड़ा सा डायना पाया जाता है, ये बर्ड का कैरेक्टर है, और ये जो है रेप्टाइल का कैरेक्टर है, चोंच में दांत का पाया जाना। और इस तरह से इस आर्कियोप्टेरिक्स को है ना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल कहा जाता है भाई, यानी बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है। और ये अब फॉसिल्स के रूप में हमें प्राप्त है, चाहे डायनासोर के बारे में आप जानते होंगे, ये मेसोजोइक ईरा काल का सजीव था भाई। और लिनार्डो दा विंची साहब ने फॉसिल्स के बारे में स्टडी किया, और इसीलिए ने फॉसिल्स फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं लुईस पास्टर साहब, लुईस पास्टर साहब ने यहां पर जो देखो एनिमल्स को हमने दिखाया है, ये हमारा मंकी है, ये डॉग है, ये कैट है, ये सारे रैबीज एनिमल हैं। ये कौन सा एनिमल है भाई, ये रैबीज एनिमल है, और इसके लार में पाया जाता है रैबीज, रैबीज एनिमल, और इसके जो है लार में पाया जाता है रैबीज, और ये बहुत ही खतरनाक रोग है भाई, ये हमारी नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जब रैबीज वायरस की मात्रा जब बढ़ने लगती है ऐसे जीवों में, तो ये पागल हो जाता है, और उसके बाद जब ये काटता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। कुत्ता अगर काट लेगा तो कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं, बिल्ली की आवाज़ निकालने लगते हैं बिल्ली काटने के बाद। तो ये सारे रैबीज एनिमल्स हैं, और इस रैबीज एनिमल के अगेंस्ट टीका तैयार किया था हमारे लुईस पास्टर साहब ने। साथ ही साथ जय पॉस्टराइजेशन के बारे में भी इन्होंने बताया था भाई। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं अल्बर्ट साबिन। हम सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए अल्बर्ट साबिन साहब को भाई, क्योंकि आज इन्हीं के प्रयास से इस पोलियो ड्रॉप के कारण जो है आज हम बड़ी शान के साथ कहते हैं कि इंडिया से आज पोलियो फ्री है। इन्होंने जो है पोलियो ड्रॉप का निर्माण किया था भाई, और आप जानते हो दो बूंद जिंदगी के स्लोगन था, है ना, दो बूंद जिंदगी के, और इस पोलियो ड्रॉप के द्वारा जो है आज हम पोलियो फ्री हैं भाई। चाहे गैर सरकारी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, सबों ने ऐसा मुहिम चलाया, है ना, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और नहीं तो 5-10 घर में से कोई एक बच्चा ऐसा जरूर पैदा होता था जिसका कि हाथ पैर झूलते रहता था भाई। इसलिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र है हमारे अल्बर्ट साबिन साहब, जिन्होंने कि पोलियो ड्रॉप का निर्माण किया था भाई। नेक्स्ट जो है हमारे क्रिस्टन बर्नार्ड साहब। देखो भाई, क्रिस्टन बर्नार्ड साहब ने मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था, यानी एक व्यक्ति का हर्ट दूसरे व्यक्ति में लगाया था, और ये टेक्निक डेवलप किया था, डेवलप द टेक्निक ऑफ ह्यूमन हर्ट ट्रांसप्लांटेशन, ह्यूमन हर्ट ट्रांसप्लांटेशन का टेक्निक जो डेवलप किया था। और सबसे पहले जो है इन्होंने जो है लुईस वास्केंस्की के हार्ट को जो है ट्रांसप्लांट किया था, और देने वाले जो थे वो थे डेनिस डॉर्वल ने, जो कि 25 ईयर्स के थे, और 53 ईयर्स का था हमारा ये लुईस वास्केंस्की, और इन्होंने को जो है इन्होंने सफल
पहला जो सफल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था है ना, ये हमारे थे क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारे रॉबर्ट एडवर्ड साहब। देखो भाई, बेहतरीन टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो है वैसे भाई बहन के लिए बिल्कुल वरदान साबित हुआ भाई, जिसमें कि बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी। मान लो कोई मेल है जिसके स्पर्म में ये ताकत नहीं है कि वो हमको फर्टिलाइज कर सके, उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबीज है वरदान साबित। इस तरह से हुआ भाई कि वैसे कमजोर स्पर्म को न्यूट्रिटिव कल्चर मीडियम में रखा जाता है, उसे पावरफुल बनाया जाता है, और फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है फीमेल के ओवम को निकाल करके उस स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज कराया जाता है, यानी फर्टिलाइज होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर जब उसमें 64 सेल्स हो जाते हैं तो फिर उस जैगोट को जो है फीमेल के अंदर जो है ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है, और ऐसे मेल जो बाप नहीं बन सकते थे उन्हें भी बाप बनाया गया है इस टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक से। दूसरी बात, कुछ ऐसी माताएं होती हैं जिनका कि यूटेरस वार्म होता है, गर्म होता है, उसमें बच्चे नहीं सरवाइव कर सकते, वैसे बहनों के लिए भी ये जो टेक्निक है वो वरदान साबित हुआ भाई, क्योंकि उनके ओवम को निकाला गया, स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज कराया गया, चाहे बाहर में टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब अंदर जब बच्चे पल रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइज कराया जाता है, और जब ये फर्टिलाइज हो जाता है भाई, फिर जो है चूंकि उस माँ के अंदर डाल दिया जाएगा, फिर वो झुलस जाएगा बच्चा, दूसरी माँ के अंदर जो है इसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और ये बच्चा जो है सफल रूप से जो है बच्चा जो है जन्म लेता है। इस प्रकार से वो माँ जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालन करती हैं, उन्हें कहा जाता है सेरोगेट मदर। तो ये बेहतरीन टेक्निक था जिसे रॉबर्ट एडवर्ड साहब ने जो है डेवलप किया था भाई। पहला बेबी जो तैयार किया गया था वो था आपका लुइस जॉय ब्राउन, और इंडिया में जो पहला टेस्ट ट्यूब तैयार किया गया उसका नाम था दुर्गा, या उसी को हम लोग बोलते हैं है ना, कनु प्रिया अग्रवाल। कनु प्रिया अग्रवाल जो है ये पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी जो कि हमारे इंडिया में तैयार किया गया, और जो है वर्ल्ड में जो है लुइस जॉय ब्राउन ये जो है पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। चले भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे हैं कार्ल लैंडस्टीनर साहब। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड को अलग अलग भागों में बांटा भाई, और इन्होंने ब्लड को जो है चार वर्गों में बांटा, ब्लड को जो है चार ग्रुप में इन्होंने जो है बांटा है, और ये ग्रुप है हमारा ए बी ए बी एंड ओ। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो भाई तो लिखता है पॉजिटिव या निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव निगेटिव ही हमारा आरएस फैक्टर सा है। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने सोचा कि बंदर हम लोगों का पूर्वज रह चुका है भाई, तो क्यों ना बंदर के ब्लड को टेस्ट किया जाए और मनुष्य के ब्लड से टेली करवाया जाए। तो जब बंदर की आरबीसी को लेकर के जब टेस्ट किया गया तो क्या देखा कि बंदर की आरबीसी के ऊपर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का जमाव था, और उसी को उन्होंने नाम आरएस फैक्टर दिया। इसका फुल फॉर्म होता है रिसेस फैक्टर। चूंकि बंदर की जिस प्रजाति को टेस्ट के लिए लिया गया था वो था रिसेस मंकी, और बाद में जब मनुष्य के ब्लड को टेस्ट किया गया भाई, जिसकी आरबीसी पर ये पाया गया उसे आरएस पॉजिटिव कह दिया गया, और जिसे नहीं पाया गया उसे आरएच निगेटिव कहा दिया गया। तो जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो अगर हमारा में से मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है और हम में आरएस फैक्टर प्रेजेंट है। लेकिन कुछ भाई ऐसा समझते हैं भाई कि आरएस फैक्टर प्रेजेंट का मतलब बंदर वाला कैरेक्टर आ गया क्या, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। कैरेक्टर तो क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफर होता है, और ये तो प्रोटीन है, प्रोटीन कैरेक्टर को कैरी नहीं करता, इसलिए आरएच पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसमें बंदर वाले कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। ऐसे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे जाएंगे सब सिस्टम में वहां पर हम जो है ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर के बारे में डिटेल से बताएंगे। यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको यहां पर बता देना चाहेंगे कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ होता है भाई, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए बी होता है। यानी ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति
हर किसी को ब्लड दे सकता है और एबी ब्लड का व्यक्ति हर किसी से ब्लड ले सकता है। चलें नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, यह हमारे वाटसन एंड क्रिक साहब। वाटसन एंड क्रिक साहब ने इस, देखो भाई ये डीएनए जो है ना, डीएनए का जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था हमारे वाटसन एंड क्रिक साहब ने। यहां पर ये घूमता हुआ जो डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, है ना, ये डबल हेलिकल है ना, ये देखो ये दोनों हेलिक्स है और ये पूरा जो है राउंड कर रहा है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का होता है, लेकिन एक एब्सेप्शन भी यहां पर आप याद रख सकते हो भाई कि डीएनए की रचना डबल हेलिकल होता है, लेकिन एक अपवाद है आपका एक्सेप्शन, अगर आप याद रखना चाहते हो तो यहां पर एक्सेप्शन है हमारा 5174 वायरस। ये 5174 वायरस है जिसमें कि डीएनए की रचना डबल हेलिकल नहीं होता, बल्कि ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकल धागा नुमा रचना होता है भाई। तो चले भाई नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे हैं, देखो बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन के बारे में बताया था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये पूछा जाता है कि इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है, तो बेंटिंग एंड बेस्ट। रॉबर्ट कोच साहब ने ट्यूबरकुलोसिस टीबी और कॉलरा का वैक्सीन तैयार किया था भाई। टीबी के अगेंस्ट दिया जाने वाला जो वैक्सीन है उसे हम लोग कहते हैं बीसीजी, बीसीजी का टीका ये तैयार किया था हमारे रॉबर्ट कोच साहब ने। बीसीजी का वैक्सीन जो है और कॉलरा का वैक्सीन तैयार किया था भाई। टीबी के वैक्सीन के लिए स्पेशल नाम आता है यूनिट कालमेट साहब का। जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया भाई। पोलियो टीका दो तरह का, एक होता है पोलियो का टीका होता है और पोलियो का ड्रॉप होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। पोलियो का पहले टीका लगाया जाता था जो कि बहुत ही दर्द देता था भाई, है ना, और बाद में जो एल्बर्ट साबिन ने ड्रॉप बनाया। पहले जो टीका तैयार किया गया था पोलियो का, वो तैयार किया था जॉन साल्क साहब ने। अगर आपसे पूछे पोलियो का टीका किसने तैयार किया तो बताइएगा जॉन साल्क, और पोलियो ड्रॉप अगर पूछा जाए तो एल्बर्ट साबिन बताइएगा। एडवर्ड जेनर साहब ने सबसे पहला टीका तैयार किया था और ये चेचक के अगेंस्ट तैयार किया था भाई, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट तैयार किया जाने वाला ये टीका था, जो पहला टीका था, फर्स्ट वैक्सीन। विलियम हार्वी साहब ने बताया कि किस प्रकार से हमारे जो है पूरे बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट से दौड़ता हुआ ब्लड हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से जो है पंप होकर के कैसे जो है पूरे होल बॉडी में ट्रांसफर करता है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जो है बताया था हमारे विलियम हार्वे साहब ने। नेक्स्ट जो हमारे लेमार्क साहब को देखें, लेमार्क साहब ने यूज एंड डिस्यूज थ्योरी दिया था भाई। यूज एंड डिस्यूज थ्योरी क्या कहता है? यूज एंड डिस्यूज थ्योरी कहता है कि हम जिस अंग का जितना ज्यादा उपयोग करते हैं वह अंग हमारा उतना ही ज्यादा लॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड एफिशिएंट होता है, उतना ही वो लंबा होगा, उतना ही मजबूत होगा और उतना ही कार्य कुशल होगा। अपने पक्ष में लेमार्क साहब ने सांप जिराफ का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। जिराफ जो है पहले ग्रासलैंड में रहने वाला जीव था भाई, लेकिन जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, जब वो मरुस्थली भागों में चला गया, तो अपने अगले पैर और गर्दन को जो है वो बार बार उपयोग करता था, जिसके कारण जो है उनका गर्दन लंबा हो गया और ऊंचा अगला टांग भी उसका लंबा हो गया। और अब जितने भी जिराफ पैदा होते हैं वो सारे जो है ऊंची टांग और लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा होते हैं। और इसी पर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये कहता है कि उपार्जित गुणों की वंशानुगति होती है, जो गुण हम उपार्जित करते हैं उसी का जो है कमिंग जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जैसा कि जिराफ ने जो गुण अचीव किया अब वैसा ही जिराफ का बच्चा पैदा हो रहा है। सांप पहले हमारे आपकी तरह है पैर पर चलने वाला जीव था भाई, लेकिन जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई जहां तहां जब सांप को पीटना शुरू कर दिया, सांप जो अंधेरे में रहने लगा, जिसके कारण जो है उनकी अंधेरे में रहो तो भाई इस पलक का क्या उपयोग होगा भाई, तो उन्होंने पलक का उपयोग करना बंद कर दिया, इस कारण आंख में पलक जैसे सांप का जो है पलक जैसे साफ हो गया।
क्योंकि वो पैर उसको जो अवरोध करता था, इसलिए पैर को समेट करके रखता था सांप, जिसके कारण जो पैर भी समाप्त हो गया। और अब जितने भी सांप पाए जाते हैं, सिलिंड्रिकल पाए जाते हैं, सिल्ड वाले सांप पाए जाते हैं, पैर समाप्त हो गया। आपको सर आपने सांप का पैर देखा है क्या? जो आप कह रहे हो कि सांप को पैर था, बिल्कुल अजगर में आज भी पैर का इंप्रेशन देखने को मिलता है भाई, और ये एविडेंस और ये प्रमाण है कि सांप को पैर होता था। ठीक है, तो ये जो है लेमार्क साहब ने जो है यूज एंड डिस्यूज थ्योरी दिया था भाई। ऐसे भी देखो हम दाएं हाथ का ज्यादा प्रयोग करते हैं, अगर दाएं हाथ को नापोगे तो इसकी मोटाई और इसकी लंबाई जो है बाएं हाथ से थोड़ा ज्यादा ही होगी। तो ये नियम था, बाद में जो है इनके नियम को खंडित किया गया, अलग बात है, पहले हम लोग इस नियम को देखें, है ना। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम है वह है फिलोसफिक जियोलॉजिक। किताब का नाम याद रखना भाई, कभी कभी जो ये पूछ दिया जाता है कि ये किताब जो है किनके द्वारा लिखी गई, तो फिलोसफिक जियोलॉजी जो है ये लेमार्क साहब के द्वारा लिखी पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन साहब ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या कहता है भाई? ये प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है, और ये प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत तीन तथ्यों पर आधारित होता है। सबसे पहला तथ्य है कि जीवों में संतान उत्पत्ति की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी लिविंग बींग्स हैव इनॉर्मस पावर टू प्रोड्यूस चाइल्ड। दूसरा है, जब बहुत अधिक संख्या में जब जीव उत्पन्न हो जाएंगे भाई, तब होगा क्या? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए जीवों में क्या होता है? संघर्ष होता है। और तीसरी बात यह होती है कि जो प्रकृति ऐसे जीवों को सेलेक्ट करती है जो सबसे ज्यादा फिट होते हैं, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तीन तथ्य पर आधारित हमारा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी था भाई। कभी कभी यहां से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि चार्ल्स डार्विन साहब ने किस जहाज के द्वारा जलीय मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण किया था भाई? उस जहाज का नाम था एच एम एस बैगल। एच एम एस बैगल नामक जो है जहाज के द्वारा इन्होंने जो पूरे विश्व का भ्रमण किया था, और एक फिंच नामक चिड़िया से भी ये रिलेटेड थे, क्योंकि ये कभी पूछा जाता था जिस जहाज से सफर कर रहे थे वहां पर भी एक उस जहाज में एक चिड़िया भी थी जो कि नाम जिनका फिंच रखा गया था, या फिंच प्रजाति की थी, है ना। तो ये रिलेटेड है। उसके बाद देखो भाई, हमारे जॉन गार्डन साहब, स्टेम सेल्स, है ना, स्टेम सेल्स एक नई क्रांति है शिक्षा जो आपका जो चिकित्सा जगत में। स्टेम सेल्स के माध्यम से हम बोन मैरो से सेल को निकालते हैं, और क्रोनिकल से क्रोनिकल डिजीज का भी जो है हम आसानी से जो इलाज करने में संभव हो सकते हैं। और इस स्टेम सेल्स के बारे में बताया था हमारे जॉन गार्डन साहब ने। नेक्स्ट है हमारा HIV, जानते हो भाई बहुत ही खतरनाक रोग है ना। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होने वाला ये रोग, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स इज नॉट ए पार्टिकुलर डिजीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। ये रोगों का समूह होता है भाई, ये कोई रोग नहीं होता, ठीक है। और इसके कॉजिंग एजेंट HIV के बारे में पता लगाया था आर्स गेलो साहब ने। एड्स एक ऐसा रोग है जिसके हो जाने के बाद अनायास मुंह से निकलता है गेलो, और वही नाम याद रखना, रॉबर्ट, है ना, सी गेलो, साइंटिस्ट का भी नाम गेलो से ही है भाई, ध्यान रखोगे। रोनाल्ड रॉस साहब ने मलेरिया परजीवी के बारे में पता लगाया, मलेरियल पारासाइट। और मलेरिया पारासाइट जो होता है, ये होता है क्या? ये होता है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है ये पाया जाता है कहां भाई? इसका वेक्टर है हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मादा एनोफिलिस मच्छर। और मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से ये रोग होता है भाई, मादा ही, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही काटती है मनुष्य को, और ये काटना उसकी मजबूरी है, वो शौक से नहीं काटती है भाई, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जब तक वो हमारे ब्लड को नहीं चूसेगी तब तक जो वो मां नहीं बन सकती, यानी हमारे ब्लड से उसके अंदर अंडा का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए जब वो मेरे पास आती है
तो मेरे कान के पास जो है वो मधुर संगीत सुनाती है और हमसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज गिव मी सम ड्रॉप ऑफ ब्लड, क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ। हम लोग दो चार बार हाथ मार देते हैं भाई तो साइड हो जाती है। लेकिन जो लोग भैंस निद्रा में रहते हैं वो समझ जाती हैं, मौने स्वीकार लक्षणम, मौने मतलब स्वीकार, और धीरे धीरे अपने एंटीना को टाइट करती हैं, चुभाती हैं और मेरे ब्लड को चूसती हैं। जब वो जाने लगती हैं तो वफाई निभाती हैं, वो भी सोचती हैं कि जिसने मुझे माँ बना दिया कुछ तो गिफ्ट दिया जाए। उसके पास गिफ्ट में क्या है भाई, उसके लार में प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम डालकर चली जाती हैं और हम लोग जो है सफरिंग फ्रॉम फीवर, वही बात हो गई, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, है ना, अब लेते रहो, है ना, यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। चलो भाई नेक्स्ट जो है हम लोग देखें, हरगोविंद खुराना साहब, ये हमारे भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक थे भाई, लेकिन दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज ये अमेरिका के नागरिक हैं। चाहे जो भी हो, है ना, इनके द्वारा दिया गया जो जेनेटिक कोड है और इसी जेनेटिक कोड के लिए उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ऐसे महान वैज्ञानिकों का भी अगर हमारे देश में कदर ना हुआ तो ये बहुत ही अफसोस की बात है ना। ऐसे मेरिटोरियस लोगों का हमारे मुल्क में कदर होना चाहिए। चलिए इस प्रकार से हमने जो है आज कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में चर्चा किया भाई, और इन्हें जो है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और आगे की बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो वीडियो होगा या हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा भाई, उसमें हम लोग जो है सेल के बारे में चर्चा करेंगे, साइटोलॉजी की शुरुआत करेंगे, है ना। थैंक यू भाई, ओके बाय।